धामनोद के पास पटलावाद के सुनसान इलाके में स्थित इस मंदिर के परिसर में गैंगरेप किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि 20 साल की एक युवती के साथ 3 लोगों ने दुष्कर्म किया। यही नहीं, पीड़िता के साथ मारपीट भी की गई। युवती अपने प्रेमी के एक दोस्त के कहने पर वहां पहुंची थी, लेकिन वहां उसको अकेला देख 3 लोगों ने उसके साथ गलत काम किया। हालांकि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मैंने संजय चौहान को कॉल किया था कि भैया मैं आ गई हूँ यहाँ पर धामनोद में, तो आप मुझे लेने आ जाओ। तो वो बोले कि मैं आ रहा हूँ 10-15 मिनट में। फिर उसने वो नहीं आया, तो फिर वहाँ पसलावद है ना, वहाँ पर रुकी, वहाँ पर मंदिर था, तो वहाँ पर मतलब मंदिर था ना, तो वहाँ पर भी मैंने उसको बहुत बार कॉल किया, तो ऐसा बोले कि मैं काली बावड़ी से आ रहा हूँ, यहाँ से आ रहा हूँ, वहाँ से आ रहा हूँ। और वो आया, और जो 3 लोग थे ना जिन्होंने मेरे साथ ये सब किया, रेप किया मेरा, तो है ना, वो उन्होंने मुझे पहले ही मंदिर में मतलब बंद कर दिया था, और ये बोले कि तुम बाहर मत निकला। किस वर्ष की बच्ची जो है गई थी वहाँ पर, अपने फ्रेंड से मिलने गई थी, और वहाँ पर कुछ उसने रिपोर्ट किया कि 3 अज्ञात लोग आए और उसके साथ में जो है दुष्कर्म किया है। और इस रिपोर्ट पर जो है पुलिस ने अत्यंत गंभीरता से और तत्काल त्वरित कार्रवाई करते हुए पतारसी की और 3 लोगों को जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पीड़ित युवती BSc फाइनल ईयर की छात्रा है, फिलहाल उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। घनश्याम पाटीदार APN धार।